आज से कुछ 6 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ठाकुर प्रसाद वर्मा ने इतिहास नाम का एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में उन्होंने ये दावा किया कि मोहनजोदारो में मिली दी फेमस डांस सिंगर दरअसल हिंदू गोडेस पार्वती हैं। उन्होंने एक 36 पेजेस का एसे लिखा जिसका नाम था वैदिक सभ्यता का पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि प्रोफेसर वर्मा ने बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस या कल्चरल प्रूफ का इस्तेमाल किए बिना ही इतनी बड़ी लकीर खींच दी थी मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल और वैदिक पीरियड के बीच। प्रोफेसर वर्मा का ये आर्टिकल काफी कॉन्ट्रोवर्शियल था। जहाँ कुछ लोग इसे हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी की बेइज्जती समझ रहे थे, वहीं कुछ लोग प्रोफेसर वर्मा की बात से सहमत थे, क्योंकि अगर वो स्कल्पचर सच में एक हिंदू गोडेस का है तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि हिंदुइज्म सबसे पुराना रिलीजन है। हिंदू हमारी पहचान है। अपनी पहचान को विस्मृत करके, अपने अतीत से भटक करके कोई व्यक्ति कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस डांसिंग गर्ल पे कंट्रोवर्सी सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी है। उसी साल यानी 2016 में ही एक पाकिस्तानी बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पेटीशन फाइल करी। उस पेटीशन में उन्होंने ये दावा किया कि 60 साल पहले ये स्कल्पचर पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले जाया गया था नेशनल आर्ट काउंसिल दिल्ली की रिक्वेस्ट पर, लेकिन उसके बाद भारत ने कभी से पाकिस्तान को वापिस ही नहीं किया। जाफरी की सपोर्ट में जमाल शाह भी खड़े हुए जो उस वक्त पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्ट के डायरेक्टर जनरल थे। पाकिस्तान की तरफ से यूनेस्को तक जाने की बात करी गई क्योंकि उनके मुताबिक ये मूर्ति हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान से बिलोंग करती है। इतने सारे क्लेम्स और कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच ये डांसिंग गर्ल 20वीं सदी से लेकर अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। क्या ये स्कल्पचर सच में एक हिंदू देवी का है? क्या इस पे हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हक है? क्या इम्पैक्ट है इस डांसिंग गर्ल का हमारे आज के कल्चर, रिलीजन और पॉलिटिक्स पर? इन्हीं सवालों से जुड़ी दी डांसिंग गर्ल की मिस्ट्री को आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं। अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकी एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान मिडल ईस्ट में आर्मी के कैप्टन रह चुके थे। वर्ल्ड वॉर वन के बाद मैकी को पैलेस्टीन गवर्नमेंट के लिए कस्टोडियन ऑफ एंटिकिटीज की पोस्ट दी गई, पर बजट की कमी की वजह से इस पोस्ट को हटाना पड़ा, जिसके बाद मैकी ने पेन म्यूजियम के डायरेक्टर जॉर्ज गोर्डन से असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट की। इसके बाद से ही मैकी ने मेसोपोटामिया और ऐसी कई हिस्टोरिकल साइट्स पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उसी दौरान एक और आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल अपनी टीम के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर काम कर रहे थे। वो कई सारी साइट्स पर एक साथ काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए किसी ऐसे की तलाश में थे जो मोहनजोदारो पर रहकर सारा काम देख सके। तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अर्नेस्ट मैकी को 1926 में एज ए स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया और मैकी बन गए मोहनजोदारो के नए फील्ड डायरेक्टर। उसी साल यानी 1926 में अपने एक फील्ड वर्क के लिए जब अर्नेस्ट मैकी मोहनजोदारो के HR एरिया में निकले तो वहां उन्हें लगभग 10.5 सेंटीमीटर लंबा एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला। ये ब्रॉन्ज स्टैचू 20वीं सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरीज में से एक था क्योंकि इसने हिस्टोरियंस के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े कई इंपोर्टेंट कल्चरल और टेक्निकल लिंक्स को सिंप्लीफाई कर दिया। अर्नेस्ट मैकी को एक नहीं बल्कि दो स्टैचूज मिले थे जिनमें से एक आज पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में है और दूसरा इंडियन नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। जो स्टैचू इंडिया में है उसका नाम पड़ा दी डांसिंग गर्ल। अब आप सोचेंगे कि डांसिंग गर्ल ही क्यों, स्टैंडिंग या पोजिंग गर्ल क्यों नहीं? तो इसके लिए आप इस स्कल्पचर के फीचर्स को ध्यान से देखिए। इसके लेफ्ट हैंड पे 24 या 25 बैंगल्स हैं और राइट हैंड पर 4 या 5 बैंगल्स। गले में एक नेकलेस है जिसमें 3 बड़े पेंडेंट्स हैं और बाल प्लेटेड बन में बंधे हुए हैं। पर अब गौर कीजिए इसके स्टैंडिंग पोस्चर पर। ये पोस्चर एक लड़की का है जो थोड़ा बेंड होकर खड़ी है, अपना एक हाथ कमर पे रखे हुए और दूसरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है। अब 1926 में जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट इस स्कल्पचर को स्टडी कर रहे थे उनके हिसाब से ये पोस्चर जनरली इंडियन डांसर्स का होता है, इसीलिए इस ब्रॉन्ज स्कल्पचर का नाम पड़ा दी डांसिंग गर्ल। इस स्कल्पचर के फीचर्स इतने डिटेल थे कि कई सारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे दुनिया की सबसे अट्रैक्टिव स्टैचूज में से एक कहा और इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी दी। जैसे 1973 में एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर ने कहा, एक लड़की जो शायद 15 साल या उससे कम उम्र की होगी जिसके हाथों पर सिर्फ बैंगल्स हैं और कुछ नहीं, एक लड़की जो अपने वक्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट और इसके जैसा शायद पूरी दुनिया में कुछ नहीं। तो वही
मैके के सीनियर जॉन मार्शल ने कहा, एक यंग लड़की जिसका पोस्चर काफी बोल्ड है और पैर थोड़ा आगे, जिसे देख के लगता है जैसे वो अपने हाथ और पैर से किसी गाने की बीट को मैच कर रही है। तो जहाँ कुछ स्कॉलर्स इस बात से सहमत हैं कि ये स्टैचू एक डांसिंग गर्ल का ही है, वहीं कुछ ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जो या तो अलग ओपिनियन रखते हैं या अनसर्टन है इस स्टैचू के बारे में। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ग्रेगरी पोसेहल ने डांसिंग गर्ल को डिस्क्राइब करते हुए कहा, यह इंडस साइट से मिला सबसे मोहक आर्ट पीस है और हम ये तो नहीं कह सकते कि ये स्टैचू एक डांसिंग गर्ल का ही है, पर ये तो जरूर कह सकते हैं कि वो जो भी कर रही थी उसमें वो कॉन्फिडेंट थी और उसे ये बात मालूम थी। तो वही अमेरिकन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलिस्ट जोनाथन कैनोयर का कहना था कि ये स्कल्पचर शायद एक भेंट ले जाती हुई औरत का है। ऐसी कई और इंटरप्रिटेशन हुई है इस स्कल्पचर से रिलेटेड, पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया इस स्कल्पचर को एक डांसिंग गर्ल का ही मानता है। डांसिंग गर्ल की इंटरप्रिटेशन के साथ ही जिस टेक्निक से उसे बनाया गया है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक है। उस टेक्निक का नाम है लोस्ट वैक्स टेक्निक या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इस टेक्निक में वैक्स मॉडल से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के डुप्लीकेट मेटल मॉडल्स बनाए जाते थे। ये मेथड करीब 650 साल पुराना है और ऑस्ट्रेलिया के अलावा ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में इसके एविडेंस मिले हैं। यहाँ तक कि यूरोप में तो ये 18th century तक यूज किया जाता था, पर बाद में पीस मॉडलिंग टेक्निक ने इसे रिप्लेस कर दिया। तो चलिए लोस्ट वैक्स टेक्निक को कुछ बेसिक और जनरल स्टेप्स के थ्रू समझते हैं। तो पहला स्टेप है मॉडल मेकिंग। तो सबसे पहले एक ओरिजिनल मॉडल तैयार किया जाता है वैक्स की मदद से, क्योंकि ऐसे मटेरियल्स अपनी सॉफ्टनेस को रिटेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पेंटिंग बनाने से पहले हम पेंसिल से पहले उसकी आउटलाइन तैयार करते हैं। स्टेप टू, ड्राइंग। अब इस वैक्स मॉडल के ऊपर क्ले लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टेप थ्री, मेल्टिंग दी वैक्स। जब मॉडल अच्छे से सूख जाता है तो उसके क्ले कवर में एक छोटा सा होल करके मोल्ड को हीट किया जाता है। अब हीट करने से जो अंदर का वैक्स है वो मेल्ट होकर उस छोटे से होल के थ्रू बाहर आ जाता है और क्ले कवर में मेटल स्कल्पचर की एक नेगेटिव इमेज रह जाती है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब हम किसी डार्क पेन से किसी पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो पीछे के पेजेस में उसकी नेगेटिव इमेज रह जाती है। स्टेप फोर, पोरिंग दी मेटल। वैक्स के बाहर आ जाने के बाद मेल्ट किए हुए मेटल को, जैसे सिल्वर या ब्रॉन्ज को क्ले कवर में किए उसी छोटे से होल के थ्रू मोल्ड के अंदर वापस डाल दिया जाता है। इससे ये मेटल क्ले कवर पर बने स्कल्पचर की इमेज से मॉडल तैयार कर देता है। स्टेप 5, कास्टिंग दी मॉडल। जब अंदर मेटल सोल्डिफाई हो जाता है तो बाहर के क्ले कवर को हटाकर मेटल स्कल्पचर की डिटेलिंग की जाती है और पॉलिश करने के बाद मेटल का ये मॉडल बिल्कुल तैयार हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हर मामले में कितना ज्यादा एडवांस था। आज के 5000 साल पहले इतनी प्रसाइज टेक्निक का इस्तेमाल करके इतने डिटेल स्कल्पचर तैयार किए जा रहे थे और शायद हमें उस वक्त की इस बेहतरीन टेक्निक का कभी पता ही नहीं चलता अगर ये डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर कभी डिस्कवर ही नहीं होता। डांसिंग गर्ल के बारे में हुई स्टडीज से ज्यादा उससे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इतिहास को समझने से ज्यादा कुछ लोग इतिहास को डोमिनेट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर वर्मा की दलीलों के बारे में बताया। उनका कहना है कि ये डांसिंग गर्ल दरअसल पार्वती है, यानी एक हिंदू गॉडेस। अब इस क्लेम को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई साइंटिफिक डाटा है और ना ही कोई कल्चरल रिपोर्ट है, तो बस उनकी 36 पन्नों की जस्टिफिकेशन। उनकी कुछ जस्टिफिकेशन के बारे में आपको जानना जरूरी है। प्रोफेसर वर्मा का कहना है कि हड़प्पा में मिले सारे ही नग्न यानी न्यूड फिगर्स देवियां हैं, और क्योंकि ये ब्रॉन्ज कल्चर भी न्यूड है इसलिए ये एक हिंदू गोडेस का है और ना कि एक नश्वर नृत्य करने वाली लड़की का। इसके साथ ही वो कहते हैं कि सभी उस मूर्ति के हाथ में पहने हुए बैंगल्स की बात तो करते हैं, पर कोई उसके हाथ में पकड़े हुए बोल यानी कटोरी का जिक्र नहीं करता। ये कटोरी दरअसल माता अन्नपूर्णा का अक्षय पात्र है। प्रोफेसर वर्मा के मुताबिक हिस्टोरिकल साइट से मिले एक प्रीस्ट का स्कल्पचर दरअसल भगवान शिव की पूजा करते हुए एक राजा का है, और इस हिसाब से प्रोफेसर वर्मा का कहना है कि जिस सभ्यता में शिव थे वहाँ पार्वती कैसे नहीं होंगी। अब उनके इन क्लेम्स को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना इम्पोसिबल है, क्योंकि इनमें कोई साइंटिफिक रीजनिंग है ही नहीं, और प्रोफेसर वर्मा अपने ऐसे कई बिजार और हैस्टी क्लेम्स के लिए फेमस
फेमस हैं, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को समझना इम्पॉसिबल है, वो बस साजिश कर रहे हैं कि कहीं दुनिया को ये ना पता लग जाए कि वो दरअसल एक वैदिक सभ्यता ही थी। अब उनके इन दावों से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डांसिंग गर्ल के बारे में उनकी इंटरप्रिटेशन कितनी रिलायबल है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्टैचू पे कंट्रोवर्सी सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी है, तो हिंदू गोडेस के बाद सबसे बड़ा क्लेम रहा है कि ये स्कल्पचर दरअसल पाकिस्तान में होना चाहिए। तो इसे समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप याद करें 1926 का वो पीरियड जब अर्नेस्ट मैकी को मोहनजोदाड़ो में ये स्कल्पचर मिला था। उस वक्त इंडिया पर ब्रिटिश राज था और पूर्ण स्वराज का सपना काफी नजदीक आ चुका था, पर दूर दूर तक कहीं भी इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की चर्चा नहीं थी। उस वक्त अर्नेस्ट मैकी को मिले स्कल्पचर को लाहौर म्यूजियम में रखा गया था, पर बाद में इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर यानी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि वहां बनने जा रहा था ब्रिटिश राज का सेंट्रल इंपीरियल म्यूजियम। इसी कहानी की वजह से पाकिस्तानी बैरिस्टर जावेद इकबाल जाफरी ने अपनी पेटिशन में कहा कि इस स्कल्पचर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाया गया पर कभी वापस नहीं किया गया। अब आप खुद ही सोचिए कि इस क्लेम में कोई लॉजिक है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पार्टीशन में सिर्फ दो देशों के बॉर्डर्स और उनके लोगों का ही नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल साइट से मिले सामान का भी बंटवारा हुआ। इस बंटवारे को इतना सीरियसली लिया गया कि नेकलेस में लगे बीड्स को भी आधा आधा डिवाइड किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब डिवीजन इतना क्लियर था तो अब भी ये सवाल क्यों उठाया जाता है डांसिंग गर्ल के लिए। तो दरअसल अर्नेस्ट मैकी को एक नहीं बल्कि दो स्कल्पचर्स मिले थे, एक था दी प्रीस्ट किंग फिगर और दूसरी थी डांसिंग गर्ल। तो जब बंटवारा होने लगा तो पाकिस्तान ने प्रीस्ट किंग फिगर को रखने की डिमांड की क्योंकि वो साइज में बड़ा और देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव था। पाकिस्तान अथॉरिटी ने बड़े स्कल्पचर की डिमांड रखी क्योंकि जहां वो स्टैचूज मिले थे यानी मोहनजोदारो, वो हिस्सा पाकिस्तान के सिंध में आता है। तो उनकी इस डिमांड को पूरा करते हुए पाकिस्तान को मिला बड़ा स्कल्पचर यानी दी प्रीस्ट किंग, जो कि आज नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में है, और भारत को मिला छोटा ब्रॉन्ज स्कल्पचर दी डांसिंग गर्ल, जो आज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। अब क्योंकि ये डिवीजन इतना क्लियर था इसलिए अब इन पेटिशन और कॉन्ट्रोवर्सीज की कोई लॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई ऑफिशियल अपील या रिक्वेस्ट नहीं दी गई डांसिंग गर्ल के स्कल्पचर को वापस मांगने के लिए। कुछ स्कॉलर्स ने तो ये भी क्लेम किया है कि डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर एक अफ्रीकन लड़की का है। इस क्लेम के पीछे मेन रीजन है इंडस और अफ्रीका का ट्रेडिंग पॉइंट जहानुदारो, जो एक और ऐसी ही हड़प्पन ब्रोंज एज साइट है। वहाँ पर पर्ल मिलेट्स यानी बाजरा होने के प्रूफ मिले हैं। ये बाजरा प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी 5000 साल पहले न सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बल्कि अफ्रीका में भी काफी कॉमन क्रॉप थी, और इसी के साथ जहानुदारो में एक अफ्रीकन औरत का बैरियल मिला है ऐसा भी दावा किया जाता है। तो शायद ये इम्पॉसिबल तो नहीं है कि ये स्कल्पचर एक अफ्रीकन औरत का है, पर इस क्लेम को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। रीजन है स्कल्पचर की डिटेलिंग। दी डांसिंग गर्ल के स्कल्पचर में जिस तरह का हेयर स्टाइल दिखाया गया है वो इंडिया का कॉमन हेयर स्टाइल है, और अफ्रीकन औरतों का हेयर स्टाइल इससे बिल्कुल अलग होता है। इसी के साथ जो ऑर्नामेंट बने हैं इस स्टैचू पर, जैसे कि बैंगल और नेकलेस, वो सब भी इसी सब कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है बल्कि फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मोर्टिमर व्हीलर ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा था कि ये डांसिंग गर्ल एक बालूची महिला को दर्शाती है। यहाँ बालूची से उनका मतलब है बालूचिस्तान। इस ब्रोंज कल्चर की इतनी इंट्रिकेट डिटेलिंग से ये कहना तो मुश्किल है कि इसका अफ्रीकन कल्चर से कोई कनेक्शन है। अब मन में एक ऑब्वियस सा सवाल उठता है कि ऑलमोस्ट 100 साल पहले मिली हुई इस स्टैचू के लिए इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज एंड इंटरप्रिटेशन क्यों है। तो इसका सिंपल जवाब है लैक ऑफ रिसर्च। इस कल्चर पर कभी कोई डिटेल्ड कल्चरल या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हुई ही नहीं है और ना ही अब हो रही है। बस इसे नेशनल म्यूजियम में रख देने से इसकी हिस्ट्री और कल्चरल इम्पोर्टेंस रिवील नहीं हो सकती, और क्योंकि कोई रिलायबल स्टडी या डाटा कलेक्शन है नहीं, तो इसी वजह से प्रोफेसर वर्मा और इकबाल जाफरी जैसे लोगों को मौका मिल जाता है बेसलेस दावे करने का और इससे जुड़ी पब्लिसिटी लेने का। इस कल्चर का फायदा उठाते हुए कोई हिंदुइज्म की सुपीरियोरिटी दिखाने में लगा है तो कोई पाकिस्तान की, पर एक्चुअल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की कोई बात करना ही नहीं चाहता।
अब शायद आप भी सोचेंगे कि 100 साल पहले मिले इस स्टैचू का आज के वक्त में क्या रोल है, आखिर क्यों इस मिस्ट्री को समझना हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सिंपल लॉजिक है कि बिना अपने पास्ट को जाने हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडस वैली से जुड़ी दो सबसे बड़ी मिस्ट्रीज आज भी सोल्व नहीं हुई है। पहली है उसकी भाषा और दूसरा है उसका एंड। हम आज भी ये पता करने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर इतनी एडवांस और स्ट्रक्चर्ड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई। ऐसे में ये ब्रोंज स्कल्पचर हमें दो इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में बताता है, पहले लोस्ट वैक्स टेक्निक और दूसरा डांस जैसे कल्चरल फैक्टर की इम्पोर्टेंस। ये दोनों ही चीजें उस वक्त के लोगों की भाषा, उनका कल्चर और उनकी स्टोरीज को समझने में काफी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। और ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ बहुत कुछ आज भी बस एक मिस्ट्री है। तो अगर आप में से भी कोई आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री जैसे प्रैक्टिकल और एडवांस्ड फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो शायद आप भी इन चीजों को डिकोड करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन।